तो चलिए, कैसे स्टूडेंट आप? मेरे पास में एक सेट है और जो बेसिकली लाइट मतलब लाइट का प्रॉब्लम बताया जा रहा है, बट इस सेट की हालत आप देख सकते हैं। देखो, डीसी मशीन आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो आपको शॉर्टिंग आ रही होगी 0.036 आटो एम्पियर ले रहा है। तो ये एक माइक्रो शॉर्टिंग होती है, तो अगर ये 3 नहीं होता और इस पर 0 होता तो ये नैनो शॉर्टिंग होती। तो फिलहाल शॉर्टिंग तो है, इतना तो क्लियर है। अब क्योंकि काम हुआ है सर्किट में, तो अपन थोड़ा सा टेस्टिंग कर लेते हैं। मल्टीमीटर थोड़ा मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो ये देखिए, ये मल्टीमीटर है अब, और ये आप अब मल्टीमीटर आप देख रहे होंगे। अब फिलहाल मेरा मल्टीमीटर OL मतलब बीप मोड पे है, और मल्टीमीटर को मैंने बजर मोड पे रखा हुआ है, ठीक है। तो हम इसको चेक करेंगे दोस्तों। ये वीडियो वही लोग देखिए जो सीखने के लिए वीडियो देखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा है और मैंने शॉर्टकट में नहीं बनाया है ये वीडियो, ठीक है। तो अगर आप टाइम दे सकते हैं तो वीडियो देखिए, अदरवाइज वीडियो मत देखिए, स्किप कर दीजिए। कोई मतलब नहीं आपका वीडियो देखने का, क्योंकि सब समझ में नहीं आएगा आपको। अगर आप पूरा देख सकते हैं तो वीडियो देखिए, ठीक है। तो देखिए, हम फिलहाल देखो मल्टीमीटर ऑफ हो गया, हमने ऑन किया, ठीक है। और अब हम बजर मोड पे रख रहे हैं, ये हमने बजर मोड पे रखा है। और हम इसको और कैसे सही वे में देखो, अब आपको ये OL दिखाई, मल्टीमीटर और बढ़िया दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। तो फिलहाल तो मैं इस मोड पे ही दिखा देता हूँ उसको, ये देखो दिखाई दे रहा है मल्टीमीटर, ठीक है। अब क्या, अब हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन पे शॉर्टिंग है। तो ये हमारा जो GR है ये प्राइमरी का है। अब हम अपना GR चेक करेंगे सेकेंडरी का। तो प्राइमरी और सेकेंडरी लाइन तो ओके है, क्योंकि यहाँ पे GR बढ़िया आ रहा है, ठीक है। क्योंकि हम मेरा कंसर्न अभी फ़िलहाल एक ही सेक्शन है, और यहाँ मैं आपको एक बार पीछे का दिखाना चाहूँगा। पहला अपन क्या है, आई डायग्नोस कर ले कि कहाँ काम हुआ है कहाँ नहीं। तो नोटिस करो कि यहाँ पर है ना, ये APT मॉड्यूलेटर वाली जगह पे यहाँ पे काम नहीं हुआ है, यहाँ पर काम नहीं हुआ, बस यहाँ से पत्रा निकाला गया है। अब पता नहीं कि IC पे हीट गई है क्या नहीं है, तो निकाला तो गया है पत्रा। और नेटवर्क सेक्शन में भी काम अब पत्रा निकाला है, हो सकता है कि SDR चेंज किया हो, या क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिबॉलिंग की होगी या हीटिंग टू की है, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर तो बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, तो ये तो नो डाउट। तो हम क्या करें, अब हम पहले तो शॉर्टिंग चेक करेंगे, पहले बीप मोड पे देखेंगे कि क्या कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। तो बजर मोड पे हम रखेंगे, तो देखो मैं बजर मोड पे मैंने रखा हुआ है, ठीक है। और OL है मेरा, ये देखो ये बीप दे रहा है यहाँ पर। अब हम इसको चेक करेंगे,
पहले तो हम सॉर्टिंग ढूंढते हैं ना, और उसके बाद फिर हम देखते हैं, अगर कोई नया सॉर्टिंग नहीं मिलती तो मतलब माइनर सॉर्टिंग है, फिर आईसीयू के अंदर होगी। पहले तो आईसी के आसपास ढूंढना है। देखो एक कैपेसिटर तो हमें मिला है, पर ये कैपेसिटर पैरेलल लगा है ग्राउंड के साथ, और ये शॉर्ट ही होता है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा थोड़ा सा। तो हम डायग्राम पर जाते हैं। तो अब हम ये कैपेसिटर को इग्नोर करते हैं, क्योंकि कैपेसिटर तो आगे जाके कॉइल लोड से कनेक्टेड है, और जो कि ग्राउंड है, रेफरेंस लाइन है, नॉइस रिड्यूस करता है। अब आगे चेक करेंगे। अच्छा देखो, ये सारे जो कंपोनेंट है ना, ये सब, ये देखो कॉइलों की क्या बुरी हालत हो गई है एकदम। ये डायोड है, ठीक है, ये कॉइल है, ये देखो ये कैपेसिटर देख रहा है, एक ओर से कैपेसिटर का पूरा सिरा ही निकल गया है। अब क्यों निकल गया है ये पता नहीं, जम्पर मारा है क्या किया है। अच्छा एक कैपेसिटर और शॉर्ट मिल रहा है। तो ये जो कैपेसिटर है दोस्तों, जहाँ तक मुझे लगता है ये +5 -5 वाला कैपेसिटर है, और इसको चेक करें, ये हाँ, तो ये +5 का कैपेसिटर है, तो ये मेरे को शॉर्ट मिल रहा है, ठीक है, तो ये मेरे को शॉर्ट मिल रहा है, नोटिस करो, ठीक है। तो अब ये कैपेसिटर का क्या सीन है, तो हम इसके लिए ना आईसी पहले निकालते हैं, और रोजिन वोजिन डालने की गलती बिल्कुल मत करें इसमें, क्योंकि ये पहले तो आप अपनी आईसी को सेव कर लें, हो सकता है आईसी शॉर्ट हो, तो एक बार में पता चल जाएगी, और हो सकता है कि भाई कैपेसिटर मतलब कोई और क्योंकि देखो जब हम आईसी निकालेंगे ना तो हमारी लाइन क्लियर हो जाएगी। अगर हमारे पास शॉर्टिंग हुई तो हम रोजिन डालेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि हमें रोजिन डालना है, ठीक है। तो अब हम पहले तो ये आईसी को निकाल देते हैं। ये PML है 660L, ठीक है। तो हम ये पहले ये आईसी निकाल देते हैं। देखो पेस्ट डालने की जरूरत ही नहीं है, इतनी आईसी है, मैक्स गोल्ड पेस्ट होगा पक्के से। ठीक है, तो आईसी बाहर कर ली हमने, तो मुझे तो लग रहा है आईसी ही शॉर्ट होगी। यहाँ पर आईसी बाहर कर ली है, यहाँ पर आईसी बाहर कर ली है यहाँ पर, और मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर आईसी शॉर्ट होगी। तो अब हम एक बार सर्किट को चेक करते हैं, क्लीन कर लेते हैं सर्किट। ठीक, अब हम वापस वो शॉर्टिंग चेक करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे को शॉर्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। तो ठीक है, नोटिस कीजिए, मेरा मल्टीमीटर को देखिएगा। अब मैं वापस शॉर्टिंग चेक करता हूँ उसकी, ठीक है। तो शॉर्टिंग मेरा आईसी था, तो फिलहाल मेरा शॉर्टिंग तो निकल गया है। अब चेक करता हूँ कि
अब मेरी क्या कंडीशन है सेट की, तो क्योंकि मुझे तो अभी आईसी चेंज करना है, तो आईसी चेंज करेंगे इसकी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, हमने आईसी तो निकाल ली है, बट हम चाहते हैं कि एक बार हम उसके सर्किट को चेक कर लें, ठीक है? क्योंकि क्या इसमें आईसी डायरेक्ट लगाना मुझे नहीं लगता सही होगा, क्योंकि बोर्ड में ऑलरेडी बहुत पहले से काम हुआ है, राइट? तो हम ज़रा स्विचिंग चेक कर लेते हैं, क्योंकि वैसे भी कस्टमर मतलब जो फ़ोन है उसने लाइट का इशू बताया है। हम एक बार देख लेते हैं कि हमें बीप आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो बीप आ रहा है मतलब ये ओके है, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ज़रूर चेक कर लेना चाहिए, राइट? अब ये कॉइल भी मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, पर देखेंगे बाद में। तो ये भी आ रहा है, ठीक है? अब स्विचिंग के बाद क्या चेक कर सकते हैं, हम आउटपुट चेक कर लेते हैं कि आउटपुट का भी लाइन ओके है कि नहीं ओके है। 130 ये कैपेसिटर है, ठीक है? ये देखो ये यहाँ पर बीप दे रहा है, दिख रहा है ये? तो ये इसका बीप देख लेते हैं। ये रहता है ऐसे डायोड के माइनस के साथ ही है, ठीक है? तो ये क्लियर है, और +5 -5 का भी आउटपुट चेक कर लेते हैं लगे हाथ। ऑब्वियस है कनेक्ट होगा क्योंकि शॉर्ट तो आईसी के साथ था, और VDD ISPP तो ये वाला भी आउटपुट ही है, तो ये भी देख लेते हैं इसका। तो देखो ये पैड ही नहीं, ये कैपेसिटर चेंज करना पड़ेगा। ये दूसरा वाला है, ठीक है? ये भी मिल रहा है। ये कैपेसिटर किसका है बस देखना पड़ेगा, क्योंकि कैपेसिटर का तो एक सिरा ही खत्म हो गया है। तो ये कैपेसिटर डिस्प्ले के कोयल के साथ कनेक्टेड है, ठीक है? चलो अभी तो हम आईसी चेंज करते हैं, और पहले तो देखते हैं कि हमारे को क्या जाता है, मतलब वो हमारा पहला लीकेज फ़ोन ऑन होता है कि भी नहीं होता है, क्योंकि फिर उसके बाद लाइट, और देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कैपेसिटर यहाँ लगाना पड़ेगा सेम बोर्ड का, ठीक है? चलो अभी तो फ़िलहाल हम क्या करें, आईसी लगा देते हैं।
मैं आईसी चेंज कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि वो तो शॉर्ट है ना। तुमने इडली खा ली? तो देखो आईसी हमने लगा दी है, ठीक है। अब पहले तो हम डीसी मशीन से शॉर्टिंग चेक करेंगे। तो सीधा पहले सॉर्टिंग चेक करते हैं, बीप मोड वाली जहाँ पे हमें पहले आ रही थी, देखेंगे कि वहाँ पे हमें अब आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इस कैपेसिटर में पहले हमें बीप आ रही थी, मतलब पैड पर कैपेसिटर तो निकला हुआ ही, हमें लगाना पड़ेगा कैपेसिटर, ये इंपॉर्टेंट कैपेसिटर है। देखो अब बीप नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि हमारा जो आईसी था वो शॉर्ट था। ये देखो ये ग्राउंड है, ठीक है। अब तो पहले तो जल्दी से डीसी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ दिखा दूँ, ठीक है। अब आपको दिख रहा है मेरा डीसी मशीन, तो देखो मैंने लगा दिया तो शॉर्टिंग तो निकल गई। अब फ़ोन को ऑन करके देखते हैं कि फ़ोन ऑन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये फ़ोन क्या है दोस्तों, बैटरी से भी ऑन होता है, तो फ़ोन तो अभी ऑन नहीं हो रहा है, क्योंकि इस फ़ोन में कोई और दिक्कत भी जा सकती है। फ़िलहाल तो अभी हमने ये समझा कि हमने शॉर्टिंग निकाली है, देखते हैं बैटरी लगा के क्या होता है। अब हम बैटरी का यूज़ करते हैं, तो ग्राफिक्स तो मुझे नहीं लगता आएगा, क्योंकि ग्राफिक्स का प्लस कैपेसिटर ही निकला हुआ है और वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कैपेसिटर। तो अब हम इस मशीन में देखेंगे कि हमें क्या दिखाई दे रहा है। तो 0.60 पर रीडिंग है और 1.1 1.6, तो मतलब फ़ोन हमारा ऑन हो गया है। बट अब हम ये देखते हैं कि अब हमारे को वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं, वो मिल रहा है। तो देखिए 1.8 है, फ़ोन तो हमारा ऑन हो गया है। अब हम इसमें यहाँ पर देखेंगे कि हमारे को जो वोल्टेज है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। तो वोल्टेज अगर बन जाते हैं, क्योंकि अभी लाइट वाइट तो नहीं आ रही है, देखो 2 एम्पियर ले ले, पूरा 2 के 2 एम्पियर ले रहा है, तो ये तो फोन हमारा बिल्कुल ओके कंडीशन में है। तो ये वोल्टेज तो देखो 4 पॉइंट, अभी तो वोल्टेज ये कोई नहीं बना रहा, तो एक बार फिर से मैं निकाल के फिर से लगाऊंगा। तो ये डन हो गया है कि हमारा फोन ऑन हो गया है, और देखो -5 वोल्टेज, ठीक है, हमें मिल गया है। मतलब हमें सिर्फ लाइट बनाना है, तो हमारा
वोल्टेज निकल गया है दोस्तों, मैं आपको फिर से दिखाना चाहूँगा, वोल्टेज को फिर से अच्छे से देखिए। तो यहाँ पर तो देखिए अभी वोल्टेज नहीं है, फिर से निकालूँगा, फिर से लगाऊँगा, देखिए -5.3 जो बिल्कुल ओके है, मतलब हमारा सही है। मैं इसको प्लस का समझ रहा था, ये माइनस का है, ठीक है। तो अब हम अपना लाइट का सेक्शन देखते हैं कि अब हमारे लाइट का सेक्शन में क्या दिक्कत है, क्योंकि तो उसको थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। देखिए दोस्तों लाइट का सेक्शन मैंने क्या बोला था, एक जम्पर भी लगा था, तो ये पहले हम डायोड के यहाँ देखते हैं कि हमें कोई, पहले लाइट के सेक्शन में मेनली देखते हैं कि कोई 4 वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, मतलब आउटपुट में सिर्फ बैटरी लगाएंगे कुछ नहीं लगाएंगे, नोटिस करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि हमें कौन कौन से वोल्टेज बन रहे हैं, तो देखो यहाँ पर हमारे को वोल्टेज बनना चाहिए था जबकि यहाँ पे वोल्टेज नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे को वोल्टेज बनना चाहिए था, ये वोल्टेज हमको देखो इस कॉइल में देखो, तो यहाँ पर 3.6, तो यहाँ पर देखो कॉइल पे ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, ओके 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 ओके, राइट राइट। तो यहाँ पर कॉइल पे ही वोल्टेज नहीं आ रहा है, अब आप नोटिस करो, तो हम क्या करते हैं, एक जंपर लेंगे और जंपर वही मारेंगे, और क्योंकि हमारा तो अभी फ़िलहाल वोल्टेज बन नहीं रहा है, तो अब तो ये फ़ोन ऑन हुआ है, अब तो अब हम इसको मानते हैं कि अब ये लाइट सेक्शन में है, और यहाँ से यहाँ तक कि पहले पूरी कनेक्टिविटी चेक करते हैं। तो देखो ये कॉइल हमारा कनेक्ट होना चाहिए सबसे पहले नंबर की पिन पर, तो देखते हैं पहले हमारा कॉइल कनेक्टेड है कि नहीं है। और ये ट्रैक भी देखते हैं, ठीक है, तो ये ट्रैक यहाँ से कनेक्ट ही नहीं है। अच्छा बी मोड पे रखेंगे हम पहले, ठीक है। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखो ये ट्रैक यहाँ से बीप नहीं मार रही है, कॉइल से बीप नहीं मार रही है, ठीक है, ये तो क्लियर है ये ट्रैक। अच्छा कनेक्टर भी देखो थोड़ा सा टूटा हुआ सा दिख रहा है ना, यहाँ से बीप मार रहा है, काम कनेक्टर पे भी हुआ है, यहाँ से भी बीप नहीं मार रहा, हिला हुआ मामला है। तो यहाँ से एक जम्पर लेके यहाँ पर देना पड़ेगा और ये कॉइल हटानी पड़ेगी, क्योंकि कॉइल बहुत ही सड़ गया मेरे को लग रहा है, कॉइल पे भी बीप नहीं आ रही होगी, ओपन सा दिख रहा है मुझे। अच्छा कॉइल तो ओके है, चलो देखते हैं क्या है। एक पहले जम्पर लेते हैं और उसके बाद में दो जम्पर लेना पड़ेगा, एक जम्पर यहाँ पर और एक BPH की लाइन में, फिर हम देखेंगे कि हमारी IC की स्विचिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, अगर नहीं होगी तो मैं DSO से आपको चेक करते दिखाऊंगा।
हाँ बताता हूँ, रुक जाओ ना, ये वीडियो पूरा कर लूँ। अरे रुक तो जा रहे हैं। तो हम सीधे कैपेसिटर से जंपर उठा लेते हैं। और अब एक बार कनेक्टिविटी चेक करते हैं। ठीक है, हमें जंपर थोड़ा अंदर घुसाना पड़ेगा। चलिए फिलहाल तो हमने ऐसा लगा लिया है। ठीक है, तो अभी तो हमारे को बीप आ गई है। अब हम एक जंपर और मारेंगे और ये जंपर हमारा होगा। अच्छा ये कॉइल है, ओके कॉइल ओपन है दोस्तों। तो आप देखो कि यहाँ पर कॉइल का पूरा टिप्स ही निकला हुआ है। ओके यहाँ पर तो बाकी ये सिरा हर जगह बीप देना चाहिए। नहीं दे रहा,
ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर ना एक मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम ये है कि जब हम जम्पर लेते हैं, एक बार मैं जीआर चेक कर लेता हूँ कि जहाँ से मैंने जम्पर लिया है वो जीआर कितना बता रहा है। ठीक है, कॉइल की स्विचिंग ठीक है, 400 बता रहा है, बता रहा है यहाँ पर, मतलब कोई ग्राउंड नहीं है। यहाँ भी देखो ये 600 है, यहाँ पे 400 है, और जो मेरा बी बैड और बीपीएच है तो बीपीएच मेरा कितना बता रहा है, 300 बता रहा है। तो जब मैं यहाँ पर जम्पर लेता हूँ बीपीएच का, तो बीपीएच डाउन हो जाता है, मतलब इसमें अभी भी कहीं कोई लीकेज है। तो अभी सिर्फ एक ही मेरे को कॉम्पिटेंट लग रहा है, और वो है ये कैपेसिटर। ये कैपेसिटर देख रहे हो आप, तो ये कैपेसिटर मुझे लग रहा है ये बागी हो चुका है बिल्कुल पूरी तरीके से। इसको निकाल देते हैं, चलो अब वापस देखते हैं जंपर मार के कि क्या हो रहा है हमारा। ठीक है, तो देखो मैंने अब वापस जंपर लिया है, अब मैं पहले बीपीएच का फिर से देखूंगा। तो नोटिस करो मेरे को बीपीएच का वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब देखो वोल्टेज बिल्कुल डाउन हो गया, ये देखो। अच्छा अभी तो जंपर ही निकल गया, मतलब वोल्टेज मेरे को मिल गया था आई थिंक, तो मेरा काम मुझे लग रहा हो गया है। एक बार फिर से जंपर अच्छे से लगा देते हैं। ये देखो दोस्तों, तो लाइट आ गई है हमारी, ये देखो, मतलब मैंने बोला था मेरा काम हो गया है। तो हमने एक फ़ोन जिस जो पूरा डेड था, हमने पहले उसको ऑन किया, फिर हमने उसकी लाइट बनाई, और किस तरह से बनाई इस वीडियो में पूरी तरीके से दिखाया गया है। तो आप ये वीडियो पूरा देखिए, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस वीडियो में, और ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं इसको तो फाइनली हम इसका लाइट बना चुके हैं, तो अभी मेरे को यहाँ पर प्रॉपर वोल्टेज भी मिल जाएगा और बूस्ट वोल्टेज भी मिल जाएगा। मैं आपको ये पूरा चेक करवा दूंगा, ठीक है। तो अगर आप इसी तरह काम करना चाहते हैं और इच्छुक हैं, तो मुझे लगता है कि आप एसर टेलीकॉम ज़रूर ज्वाइन करें। तो इस सेट का हमारा लाइट भी बन गया है और ग्राफिक्स भी आ गया है, मतलब ये जो कैपेसिटर था वो कैपेसिटर हमारा बागी कैपेसिटर था। ठीक है, मैं उसको चेक करा था बट वो निकल गया कहीं, बेचारा बागी था ना, भग गया। ये देखो अभी वोल्टेज की बात करेंगे, ये देखो दिख रहे हैं यहाँ पर, तो हमारा यहाँ पर आप नोटिस करो, देखो 29 वोल्टेज बन रहा है हमारा बूस्ट, नोटिस करो देखो 29, तो ये हमारा वोल्टेज बन रहा है। तो यहाँ हमारा काम हो चुका है। सो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों अगर आपने अभी तक एंड्रॉयड वाले स्टूडेंट के लिए मैंने खास एक कोर्स डिज़ाइन किया है, आईफोन का कोर्स है, तो अगर आपने वो परचेज़ नहीं किया अभी, तो मुझे लगता है कि आपको परचेज़ कर लेना चाहिए। मैं आपको उस कोर्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगा। ये जो कोर्स है ना दोस्तों,
ये कोर्स आईफोन के लिए स्पेशली बनाया है। इस कोर्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखो जनरली आईफोन वाले क्या करते हैं, इंस्टीट्यूट वो 6 से 14 प्रो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, और आप सिर्फ आईसीओ पे काम करके आ जाते हो, फिर आप हर एक कैपेसिटर हर एक सर्किट के लिए उनसे पूछते रहते हो, मतलब ज़िंदगी भर का मोहताज। तो ये कोर्स ना मास्टर, इसलिए नाम इसका मैंने मास्टर कोर्स रखा है। मैंने ये सिर्फ अभी 6 के लिए बनाया है, और मैं अभी एक्स के लिए लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द। मे बी अगले महीने मेरा एक्स लॉन्च हो जाएगा, तो आप एक्स तो लेना ही लेना, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और 98% या 100% जो भी ये लेगा ना, वो आईफोन एक्स में मतलब इतना अच्छा वो सर्किट को नॉलेज रख लेगा कि वो किसी को भी बता देगा कि कैसे कौन सा सर्किट काम करता है। ये कोर्स 1 साल का रहेगा दोस्तों, और इसमें अभी काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिलने वाला है, और इसमें कंटेंट आपको बहुत कुछ है, तो मैंने इसमें कंटेंट बहुत कुछ डाल के रखा हुआ है कोर्स में, ठीक है। यहाँ पर तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखो बूट सुकेंस है, इसमें डिस्प्ले सर्किट है, लाइट सर्किट है, पूरा एनिमेटेड मतलब कैसे काम करता है, ठीक है। टॉर्च सर्किट, टच आईडी, चार्जिंग, यूटू, तो उसमें कुछ अभी सेक्शंस 1, 2, 3, 4 और अपलोड नहीं हुए हैं, जो धीरे धीरे अपलोड हो जाएंगे। अभी आपको बहुत से सेक्शंस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, एनएफसी, फ्लैशिंग कैसे, और इसमें बहुत से मैंने प्रैक्टिकल भी कंटेंट दिया है, ठीक है। जैसे देखो सॉर्टिंग है, नैंड है, डैट डायग्नोस है, अब बहुत सारी इमेजेस के साथ में यहाँ पर मैंने वीडियो डाले हुए हैं, स्कीमेटिक पढ़ाया है, मैंने सब कुछ यहाँ पर आपको देने की कोशिश की है, जो कि एक प्रो लेवल के टीचर आपको दे सकते हैं। तो ये कोर्स बहुत ही सस्ता है, 6,900 में भी अगर आप बात करो, 15% अभी डिस्काउंट में है, आप इसका यूज़ कर सकते हो, यूज़ आईफोन कोड, तो ये आपको मिल जाएगा ये कोर्स। और ये कोर्स मान लो आपको 6,000 के अंदर पड़ेगा, 5,000, 5,500 का, तो आप ये कोर्स परचेस कर सकते हो। ये कोर्स परचेस करके आप जैसे आप लॉगिन करोगे, तो लॉगिन करके आप इस कोर्स को पहले गेट टू दिस कोर्स करके आप इसको ख़रीद लो, उसके बाद लॉगिन कर लो, उसके बाद में आप इसको डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, और आप गूगल प्ले स्टोर में भी आप एसर टेलीकॉम के नाम का एप्लीकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो आप एशिया टेलीकॉम प्ले स्टोर देखिए, एशिया टेलीकॉम प्ले स्टोर के नाम से भी आप हमारा गूगल में है एप्लीकेशन, तो आप यहाँ से देखिए एशिया टेलीकॉम, और 108 लोगों ने, 108 लोगों ने रिव्यू दिए हैं, 5.0 स्टार की रेटिंग है। और कितना डाउनलोड हो गया है, तो भाई अच्छा ये हमारा नहीं है, ओके। तो आपने एशिया टेलीकॉम लिखना है, तो आपको ये एशिया टेलीकॉम, ये देखो ये मिल जाएगा यहाँ पर आईफोन कोर्स। तो यहाँ पर अभी आप देखो तो 1T+ डाउनलोड हो चुका है, ठीक है। अब 1T+ डाउनलोड मतलब ये ऑलमोस्ट 1,000, 1,000 के ऊपर डाउनलोड पे जा चुका है, और काफ़ी अच्छा लोग इसका यूज़ कर रहे हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मैं भी चाहूँगा तो आप इसको इंस्टॉल करो, कोर्स को परचेस करो, और 6,000 में घर बैठे सीखो आईफोन मास्टर लेवल पे। और अगर एंड्रॉयड पे काम करना है तो आप हमारा कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
तो देखो दोस्तों, ये हमारा फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है, तो अब इसमें पैटर्न वैटर्न लगा है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, तो फ़ोन कम्प्लीटली ऑन हो चुका है।